टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की फटाफट खबरों। महाराष्ट्र के जलगांव में एक सरकारी हॉस्टल में महिलाओं को नग्न करवाकर डांस करवाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों और कुछ बाहरी लोगों ने हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं को न्यूड डांस करने पर मजबूर कर दिया। विधानसभा बजट के तीसरे दिन बीजेपी ने इस पर आवाज़ उठाई और महाअघाड़ी सरकार पर जमकर प्रहार किया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। मुम्बरा के शीलफाटा इलाके में पप्पू गैरेज में रात करीब 3 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस गैरेज के मालिक का नाम है इम्तियाज शेख। बताया जा रहा है कि गैरेज में 2-व्हीलर की गाड़ियां खड़ी थी। करीब 15 से 17 गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में गुड्डू कुमार उर्फ रंजन ने अपने मालिक की पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। रंजन किराने की दुकान पर काम करता था और मालिक के साथ घर पर खाना खाने गया था। तभी मालिक वापस किराने की दुकान पर अर्जेंट काम से चला आया। इसी दौरान अकेला पाकर मालकिन से संबंध बनाने की बात करने लगा। इनकार करने पर चाकू से मालकिन की हत्या कर आरोपी फरार हो गया, मगर पुलिस ने काफ़ी छानबीन के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना मरीज महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि कल्याण डोंबिवली कोविड सेंटर में इलाज के बहाने से वार्ड बॉय ने छेड़छाड़ की। कल्याण बाजार पेट पुलिस ने मामला दर्ज कर वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के औरैया में विधायक रमेश दिवाकर का महिलाओं पर विवादित बयान सामने आया है। स्कूल के फीस माफी को लेकर महिलाएं विधायक के पास पहुंची थी और विधायक ने विवादित बयान देते हुए कहा कि बच्चा तुम पैदा करो और पैसा हम दें। महिलाएं जब भड़क गईं तो विधायक वहां से निकल पड़े। बच्चे आप पैदा करो, हमने वही बिहार के अररिया जिला अस्पताल में एक नाबालिग बच्चे को सुरक्षा गार्डो ने साइकिल चोरी के मामले में उसके कपड़े उतरवा दिए और बिना कपड़ों के उस नाबालिग बच्चे को कमरे से बाहर भेज दिया। इस दौरान बच्चा सुरक्षा गार्डों से ऐसा ना करने को गुहार लगाता रहा, मगर उस बच्चे की सुरक्षा गार्ड ने एक भी न सुनी। खुद को जज समझने वाले इन सुरक्षा गार्डों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजस्थान में बकरे की बलि देने का वीडियो सामने आया, जिसमें SHO भंवर सिंह बकरे की बलि दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद SP शरद चौधरी ने पशु क्रूरता का मामला दर्ज कर भंवर सिंह को निलंबित कर दिया। यूपी के गोंडा पुलिस ने SCPM अस्पताल के पास से 5 लोगों को मरीजों से अवैध रूप से ब्लड बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस को कई दिनों से इस कालाबाजारी की सूचना मिल रही थी। बताया जा रहा है कि छोटी मछलियां अभी पकड़ी गई हैं। मामले की जांच जारी है, जल्द ही पुलिस के हाथ बड़ी मछलियां भी लगेंगी। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं बसंत सलाहुद्दीन, असलम शेख, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास। वहीं गोंडा के श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त ने रचनी केसर वानी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन देने का अधिकार हो, मॉल हो या फिर फैक्ट्री हो, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। सरकारी हर योजनाओं में सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं मिशन शक्ति के तहत विषय में गांव-गांव जाकर लोगों को वो जागरूक करेंगी और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक चलेगा। श्रमिक मजदूर आवेदन कर सकते हैं। एक बार फिर इसराइल और ईरान आमने सामने आ गए हैं। इसराइल का दावा है कि उसके जहाज को ओमान की खाड़ी में निशाना बनाया गया है, जबकि ईरान ने इसराइल के इस दावे को झूठा करार दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।